गोविंद दत्ता सर जी, सर नमस्कार। नमस्कार सर, हम एक नई शुरुआत करते हैं। आप इतने दिन से लगे हुए हैं रोजाना, तो हमने तय किया सीकर वालों ने कि हमारी सबकी तरफ से पारिक साहब बोलेंगे और वही हमारा सबका बोलावा मान। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बोलो बोलो। सबसे पहले तो मैं गोविंद डोटासरा जी को और आप इनको, मेरे जितने मित्र हैं इनको धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए कि इन्होंने मुझे अधिकृत किया है। और उससे बड़ा धन्यवाद मैं आपको दूंगा, 47-48 दिन के लॉकडाउन के बाद में जिस तरह से हम मोरल डाउन था, अपने नेता से सीधा संवाद जो आज हुआ है, निश्चित रूप से हमारा मोरल भी हाई हुआ है, मनोबल बढ़ा, पूरी तरह से एनर्जाइज है हम बाकी की लड़ाई लड़ने के लिए भी। चंद बिंदुओं पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि राजस्थान में खासतौर से जो शेखावाटी अंचल जो है उसके बॉम्बे और सूरत मैक्सिमम लोग जो है न केवल व्यापारी है बल्कि वो लोग भी हैं जो छोटा मोटा अपना रोजगार करते हैं या छोटी मोटी अपनी सर्विसेज करते हैं। आज सबसे बड़ी समस्या उन लोगों के सामने ये आ गई कि सूरत में लॉकडाउन के बाद में आज बेरोजगार हो गए हैं वो, और छोटे मोटे जो व्यवसायी थे उनकी भी आज फाइनेंशियली हालत काफी कमजोर है। जब माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 47-48 दिन के लॉकडाउन के बाद आज ट्रेन का जो है वो शुरू कर दी, और पहले जब वो एक लॉकडाउन की वजह से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे भाई मिडिल बर्थ पे जो है पेशेंट वो नहीं होगा, पैसेंजर नहीं होगा, आज वो स्थितियां भी दूर कर दी इन्होंने। मेहरबानी करके आप खासतौर से सूरत और बॉम्बे के जो लोग हैं जिन्हें सभी तरह के लोग हैं, लेबरर भी है, व्यापारी भी है, छोटे मोटे रोजगार करने वाले भी हैं, किसी भी तरह से आप उनको अपने स्थान तक भिजवाएं। और इससे जो सबसे बड़ा जो फर्क पड़ेगा वो पड़ेगा जॉब कार्ड पे, खासतौर से नरेगा में जो मजदूर हमारे पास में आज के दिन करीब 20,000 लोग हैं, और अब बाहर के जब लेबर हो रहा जाएगी तो जॉब कार्ड बढ़ाने की मेहरबानी करके आप करीब 10,000 जो लोगों को जॉब कार्ड भी यदि आप बढ़वाएंगे जिले में तो उसका सीधा लाभ जो है रोजगार को मिलेगा। क्योंकि आज सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ा है वो रोजगार का है, वो चाहे व्यापारी हो, चाहे छोटा मोटा खुद का अपना काम धंधा करने वाले हो, चाहे लेबर हो। मैं इसमें खासतौर से जो अभी सीजन की जो बात है, कुछ आइटम जो है वो सीजनल होते हैं, खासतौर से आज जैसे आपका एसी है, कूलर है, इनकी अपनी एक सीजन है, और ये पीक टाइम यदि इनका निकल गया तो इसमें रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा सोर्स जो है आपका इसका है। जितने भी व्यापारी हैं, हम जब ट्रेन में हम जब जॉइंटली जो है वो एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट के जो भी नॉर्म्स हों डिस्टेंस मेंटेन करते हुए, मेहरबानी करके इसको आप अलाउ करिए कि जितनी भी जो दुकानें हैं खासतौर से जो टीवी की, आपके जो एसी की या कूलर की, या जो इस तरह की जो भी व्यवसाय हो जो सीजनल हो, उस सारे सीजनल व्यवसाय को मेहरबानी करके आप तत्काल खुलवाएं, क्योंकि वो डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, और आज डिस्टेंस मेंटेन करते हुए जब बाकी व्यापारी जब अपनी दुकानें खोल रहे हैं तो उनके तो सीजन की ही है। यदि ये 2 महीने उनके और निकल गए तो मुख्यमंत्री महोदय वो रेवेन्यू में तो हमको जो उसका जो हिस्सा मिलता है टैक्स के रूप में वो भी हमको नहीं मिलेगा, और वो व्यापारी जो लंबा इन्वेस्टमेंट करके करोड़ों करोड़ रुपए के जो है वो अपना आइटम खरीद के जो बैठा हुआ है उनको भी काफी बड़ी परेशानी होगी। दूसरा जो आपने स्वयं ने भी अभी फरमाया कि जो ऐसा है लोग जो है जिनको समाज कल्याण विभाग की तरफ से और लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से दोनों की तरफ से इनको जो सहायता राशि दी गई 1,500-1,000 रुपए की, उनमें से जो सेंक्शन जो हमारे यहाँ पे हुए वो करीब 6,429 परिवारों को तो हमने इनको जो राशि सेंक्शन हुई वो दे दी। अभी भी करीब 2,332 परिवार ऐसे हैं जिनकी राशि हम सेंक्शन नहीं कर पाए हैं ड्यू टू क्राइसिस ऑफ फाइनेंस। तो मेहरबानी करके लेबर डिपार्टमेंट को और समाज कल्याण विभाग को दोनों को आप इस बात के लिए पाबंद करें कि जो बची हुई राशि जो है वो 200 लाख रुपया करीब जो है वो वहां से यदि वो जारी कर देंगे तो इन लोगों को भी वो पैसा मिल जाएगा। इसके अलावा एक बात मुख्यमंत्री महोदय जो अब तक नहीं थी वो अब नया शुरू हुआ है, जिन लोगों के राशन कार्ड है, कोई आदमी यदि सीकर में चूरू का आदमी रह रहा है या कोई झुंझुनू का कोई आदमी रह रहा है, वो आदमी अब तक तो अपना राशन कार्ड लेकर के और जो अपने दुकान है उनसे अपने वो माल ला सकता था। अभी इन्हीं दिनों में जो है वो आदमी जो झुंझुनू या चूरू का कहीं का भी रहने वाला है उसको सीकर में राशन की वो सामग्री नहीं मिलती, उसको ये कहते हैं भाई तुम्हारा जो है वो बाहर है, इसको पोर्टेबल करना चाहिए। अब वो यदि सीकर में झुंझुनू का आदमी आकर के कहीं मजदूरी कर रहा है या अपना कोई छोटा मोटा किसी के या और कोई काम कर रहा है, वो आदमी यदि झुंझुनू जाकर के अपना राशन कार्ड राशन से सामान लाएगा तो उसके सामने बड़ी समस्या होगी। उसको आप इस बात के लिए पोर्टेबल करें कि वो सीकर में रह रहा है या झुंझुनू रह रहा है,
जहां भी उसके पास में राशन कार्ड है वो अपनी राशन की सामग्री उससे ले पाएगा। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी है जो डे टू डे हमारी जो रोज का जो हमारा सिस्टम जो है उसमें हमें पता लगती है। वो लोग वो है जो कहीं छोटा मोटा दुकान पे अपना काम कर रहे थे, दुकान बंद है, छोटा मोटा अपना कहीं कोई साइकिल का पंचर निकाल रहा था, कोई रिक्शा चला रहा था, कोई ऑटो चला रहा था, वो लोग आज सारे बेकार बेरोजगार हो गए। और वो न तो किसी सिस्टम में आते हैं, न तो बीपीएल में है, न अंत्योदय में है, न भामाशाह में है, न किसी एनएफएसए में है। मेहरबानी करके उनको हम किसी भी तरह से यदि इस सिस्टम में हम जोड़ें, हालांकि आपकी जो निर्देशानुसार हमने पहले दिन से खाना शुरू कर दिया था, हमने दानदाताओं को भी हमने सबसे कॉन्टेक्ट किया, हमने अपने पैसे भी दिए, दानदाताओं ने भी खुल करके मदद की, उन लोगों को हम चुपचाप जो है उस राशन सामग्री भी भिजवाते हैं। लेकिन राशन सामग्री के अलावा उनके रोजमर्रा की जो चीजें हैं, सब्जी लाना है या चाय के लिए दूध लाना है या और चीनी लानी है, वो व्यवस्था नहीं हो पाती। तो उनके लिए भी कोई ना कोई सिस्टम आपको डेवलप करना चाहिए। उसका सबसे बड़ा कारण एक ही है, हम इस कोरोना से डरे नहीं। आपके जो भी नियम आप देना चाहे दुकानदारों को और इनको, आज ये सिस्टम हमें बंद करना पड़ेगा कि एक दुकान तो परसों खुलेगी, एक दुकान जो है वो 5 दिन बाद खुलेगी। सब दुकानें खोलिए, पाबंद करिए उनको, डिस्टेंस मेंटेन करें। डिस्टेंस मेंटेन करके वो यदि अपना व्यापार करेगा तो जो रोजमर्रा की दुकान पे उसके काम करने वाला जो छोटा मजदूर है वो भी उसको लेके जाएगा, उसका मैनेजर या मुनीम जो कुछ भी है वो भी वहां से 5 रुपए लेके आएगा। खुलेगी ना, साथ में वीडियोग्राफी ले चलती रही गाड़ी है, वो डिस्टेंस मेंटेन करे लेगा, वो फंस जाएगा, चालान कर देंगे। आपका आइडिया अच्छा है, डिस्टेंस मेंटेन करके वो यदि अपनी दुकान चलाएगा तो हमारी रेवेन्यू भी जनरेट होगी, गवर्नमेंट को भी उससे रेवेन्यू मिलेगी। आज तो न गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रही है, न मजदूर को पैसा मिल रहा है, न मुनीम को पैसा मिल रहा है। इसके अलावा सर मैं जो है एक इसमें निवेदन करना चाहूंगा कि मेडिकल कॉलेज न केवल मेरा अपना बल्कि सीकर के हम जितने भी जो बैठे लोग हैं हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, और उसमें सबसे पहली प्राथमिकता तो आपको ये करनी पड़ेगी कि आपको उसके 500 बेड के हॉस्पिटल का आपको फाउंडेशन करना है। अभी आप आने की स्थिति में है नहीं, मेहरबानी करके आप तो वहीं से बटन दबा दीजिए ताकि हमारा काम चालू हो जाए। ये हमारे लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट है। 2020 में मेडिकल कॉलेज, ये बटन वहीं दबा दीजिए। 2020 में मेडिकल कॉलेज शुरू नहीं होगा साहब, हम सबको जो नीचा देखना पड़ेगा। इसके लिए काम तो आपको ये करना पड़ेगा कि वहां से वो एमसीए के लोग नहीं आ रहे।